नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इतना बड़ा दिन है कि इसमें सोचिए कि कई चीज़ें इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, एक रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर तो ये है दोस्तों कि आज भारत में जो अभी इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसके रिजल्ट 4 जून को आए थे। उसका आज शपथ समारोह हुआ है जिसमें बहुत से लोग आए, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी आए हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके। जैसे कि श्रीलंका से वहाँ के राष्ट्रपति आए हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हुई हैं शेख हसीना, श्रीलंका से रानिल विक्रमासिंघे, नेपाल से वहाँ के प्रधानमंत्री आए हैं, यहाँ तक कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद माइजू, वो भी आए हुए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं लगभग सभी आए हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पल है, बहुत ही गौरव का विषय है भारत के लिए। इससे पहले कि आज से 60 साल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने 3 बार अपना शपथ लिया है प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार। वो सेम चीज़ अब इस बार हो पाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार अपना शपथ ले चुके हैं। तो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री ये भी रह चुके हैं, 2 बार इन्होंने अपने टर्म कंप्लीट करे हैं 5-5 साल के, और 3रा आज से स्टार्ट हो रहा है इनका पद। इसी के साथ ही साथ बताएं तो कई कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कुछ चेहरे तो पहले ही के जैसे हैं और कुछ चेहरे अभी नए आ गए हैं। जैसे कि पुराने चेहरों की बात करें तो राजनाथ सिंह जी ने शपथ ली है, नितिन गडकरी जी ने शपथ ली है, अमित शाह जी ने शपथ ली है, ये पहले भी थे और अभी भी लिए। इसी तरह करीब 61 बीजेपी के लोगों ने शपथ ली है। जो इस बार नए थे, जिन्होंने शपथ इस बार ली है, उनमें से सबसे खास चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी का है। अगर इनके एलाइड पार्टनर की बात करें तो एलाइड में तो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा इस वक्त है चिराग पासवान का, उन्होंने भी शपथ ले ली है। साथ ही साथ जेडीयू के कोटे से ललन सिंह यानी कि राजीव जी, उन्होंने भी शपथ ले ली है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है कि एक पार्टी है एनसीपी, जो अजीत पवार जी के खेमे की पार्टी है, वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रही है। उसके न शामिल होने के पीछे उनकी थोड़ी सी नाराज़गी बताई जा रही है। नाराज़गी इस चीज़ को है कि उनको कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिल रहा है, कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिल रहा है। तो वो इसकी मंत्री बनाया जा रहा था लेकिन कैबिनेट नहीं मिल रहा था, तो इससे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अभी हम शपथ नहीं लेंगे, आगे जब विस्तार होगा तो हम कैबिनेट मंत्री लेंगे, कैबिनेट मंत्रालय। तो दोस्तों, एक ये चीज़ भाजपा के लिए शायद हो सकता है कि इस सरकार के लिए थोड़ी सी ठीक ना हो, क्योंकि राजनीति है। जैसे कि एक सांसद हैं हम पार्टी के, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, जो जीतनराम मांझी जी की पार्टी है, उसमें जीतनराम मांझी जी गया से अकेले सांसद हैं, वो अकेले ही 1 सीट जीत पाए उनकी पार्टी से, और उनको कैबिनेट मंत्रालय मिल गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं वो। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो एनसीपी के भी सांसद हैं, और एनसीपी से 2 लोगों का नाम चल रहा था, एक सुनील तटकरे और एक प्रफुल्ल पटेल। अब दोस्तों, उनको नहीं मंत्रालय मिला कैबिनेट का, ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं मिला, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इसका कोई निगेटिव अगर इम्पैक्ट होता है तो थोड़ी सी सरकार को दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सरकार में साझे में हैं महाराष्ट्र में भी, और यहाँ भी वो साथ दे रहे हैं अभी NDA गवर्नमेंट का। तो दोस्तों, ये तो आज भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में करीब 9000 गेस्ट आए हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, उसमें से विदेशी मेहमान बहुत हैं। उसमें आप ये समझ लीजिए कि करीब 61 मंत्रालय जो हैं, मंत्री होंगे जो भाजपा के होंगे,
बाकी के मंत्री इनके अलाइड पार्टनर्स में है, मतलब जो एनडीए के और घटक दल हैं उसमें 18 करीब मंत्रालय उनके साथ हैं, तो टोटल 79 हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो एनडीए का टोटल नंबर है वो करीब 293 नंबर है सांसदों का, उसमें 18% भागीदारी एनडीए बीजेपी को छोड़ करके जो एनडीए के दल हैं उनकी भागीदारी है। तो मंत्री परिषद में भी 18% की ही भागीदारी भाजपा ने उनको दी है, तो ये कहीं ना कहीं जितना जिसके नंबर हैं उसके हिसाब से उसको भागीदारी भी दी गई है सरकार में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिसका जितना नंबर उसको उतनी भागीदारी। दोस्तों अब ये देखना होगा कि ये सरकार कैसी चलती है, तो मैं समय समय पे आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।